आपको इतनी दुखियारा डिस्कशन है, थैंक यू सो मच। आप लोग चाहते हैं कि इन विषय में आप डिस्कस करें, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी फिल्म जो लगने वाली है वो मेरी फिल्म मैंने बनाई है, फाइल ऑफ अभिनय चक्र है, उसका कैप्शन है, टाइटल है आ गया हीरो। तो वो जिस वक्त लग रही होगी तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे सरप्राइज रहा है ऑलवेज, पहले कभी पता ही नहीं होता था गोविंदा की ये फिल्म बन रही है, वो फिल्म बन रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और हो जाती थी जिस वक्त, तो देखने के लिए लोग आते थे और लोग सरप्राइज हो जाते थे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही लगेगा, और ये हार्डवर्क जो फिर किया है, फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाले ने करवाया है, क्योंकि मैं शॉट कहीं और दे रहा होता था, ऐसी आमद हो जाती थी कि वो गलत नहीं होता था, कभी ख़राब नहीं लगा किसी भी चीज़ से, तो वो थॉट, वो वर्क जो है वो हो जाता है, वो नज़र आता है। तो अगेन आई होप यू ऑल विच वॉच विल वॉच द सेम काइंड ऑफ करेक्शन। सर कब आने वाली है सर ये फिल्म? सर मैं नहा धो के आया हूँ। देखिए जो लफ्ज़ है स्टाइल स्टेटमेंट हो, ये सब चीज़ें आपके फिल्म का वो क्या कहते हैं उसको, क्या होता है इन दिनों बड़ा फेमस हो गया वो सवाल प्रमोशन नहीं नॉट स्ट्रेटजी यूएसपी ये क्या पी है मुझे समझ में नहीं आता। आई फील दिल से निकली हुई चीज़ कभी ख़राब नहीं लगती, अच्छे शब्द जो होते हैं वो अच्छे ही लगते हैं, अच्छे भाव जो होते हैं वो अच्छे भाव ही लगते हैं, और योर राइट फील नेवर गोज रॉन्ग वर्क्स। तो ये जो पूछे जाते हैं ना इस तरह के सवाल मुझसे, तो मुझे बहुत हंसी आती है। उन्होंने somebody started asking me, गोविंदा जी सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंड दैट एंड दिस फिल्म यू आर मेड एंड हाउ आई रियली फेल दैट यू नो, मुझे कितनी टाइम लगा कि मैं तालियां बजाऊं और ऐसा लगा, वो फील है इसमें, तो क्या लगता है कि ये क्या वजह चलने वाली है? तो मैंने कहा भैया तुझे तुझ पर ही विश्वास नहीं है तो तुम मुझे कैसे तो ये सोचने में आपको मजबूर कर देते हैं इस तरह के थॉट। जस्ट वर्क हार्ड, ऊपर वाले पे ब्लाइंड की तरह ना विश्वास करके आदमी को सोचना चाहिए कि वही है करता वो है, वही कर्विता है, करे कर आप ही आप जिसे हम कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्क करता है, ये ठीक है, फाइन ये है, ठीक है, तरह तरह से सोचना जो है वो खराब नहीं है, समटाइम इट वर्क, बट उसी में बहुत ज़्यादा घुस जाए आदमी, मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा अलग लगने लगता है, वो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों इतना डरा हुआ है। कपिल के शो पे आपने खूब धमाल मचा दिया, पूरा शो मतलब आपके उस पे कंधे पे चल रहा था और खूब लोगों ने पसंद किया, तो आप क्या कृष्णा के शो पे जाएंगे? हाँ वो आए थे मेरे यहाँ कृष्णा, मुझे ये जो प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स यू गेट दैट काइंड ऑफ वर्क कि जिसमें आपको उस तरह के प्रश्न पूछने जाने पड़े एंड वो उस पर वर्क कर रहा है, तो मेरी पत्नी जो है मुझे बहुत डांटने लगती हैं, वो मुझे कहती हैं कि आप ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं कहा करिए किसी के लिए कि उसके वर्क में उसको तकलीफ़ आ जाए। तो बच्चे लोग वर्क कर रहे हैं वो अच्छा करें, वो और काम करें और धन कमाएं तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे टीना के लिए मेरी फील है वैसे उसके लिए है। ही इज़ हालांकि ये सब बच्चे लोग जो हैं जिस वक्त पैदा हुए, तो उस वक्त मैं उसे तो वैष्णो देवी ले गया था मैं उठा के कंधे पे, तो हाँ तो उस वक्त वो कोई कृष्णा नहीं था या स्टार नहीं था। मेरे थॉट्स जो है, मेरी फील जो है बहुत मेरे टाइप के ही होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए राइट है वो चीज़ कर दीजिए, मुझे उसको मैंने जो उसको टोका इन दिनों में और कहा वो मुझे राइट लगा और उससे फ़ायदा हुआ, आया वो मुझे बहुत प्रेम से मिला और मेरे लिए उसको मेरे दिल में उसके लिए प्रेम है। वो हार्डवर्क करे, अच्छे से करे और लोगों को इस तरह से हंसाते रहे, दिल नहीं दुखाए किसी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दे रियलाइज इट एंड दे टोल्ड मी मे गॉड ब्लेस एंड वो सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये चेंज कर दो ये चेंज कर दो, मे गॉड ब्लेस देम। कब जाने की प्लानिंग है उनके शो पे? आई डोंट नो सोचने दीजिए मुझे, पूरा पढ़ना पड़ेगा, इन लोग कैसे स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, अभी देखना पड़ेगा मुझे क्या कहने वाला है, क्या कहने वाला सोचना पड़ेगा। आई फील हालांकि मैं बहुत ज़्यादा संभाल सकता हूँ, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच ही इज़ वो बहुत कपिल जो है बहुत नहायत ही तमीज़ में और प्रेम के साथ रहा करता है और मुझे वो पराया नहीं लगता है कभी, उसमें वो है, उसकी जो हाजिर जवाबी जो है वो चुपती नहीं है किसी भी तरह से, तो उसका जो गुड हार्ट है बाहर निकल के आता है, इट वर्क्स, वो ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ जहाँ कामयाब है मैं गॉड ब्लेस देम
और जो एंटरटेन कर रहे हैं, मैं गॉड ब्लेस देम। एंड मेरी जो फिल्म लगने वाली है, कृपया आप लोग देखने के लिए। सर कब आने वाली है? मैं पार्टनर्स ढूंढ रहा हूँ जो कि बहुत साल, आई थिंक एवरीथिंग हैड इट्स ओन टाइम एंड आई नेवर हैव अ कंप्लेंट टू फॉर एनीथिंग फॉर आई नेवर कंप्लेंट टू गॉड आई शुड नॉट बी आई सी ऑलवेज थैंकफुल टू वॉट एवर हैज हैपन टू मी। मैं शुक्रिया अदा करता रहता हूँ ऊपर वाले ने जो दिया है मुझे उसका, और उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे इस सक्षम बनाए कि मुझे किसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना पड़े, और जो लोग साथ दे देंगे उनके लिए थैंक यू सो मच, और जो साथ दे चुके हैं उसके लिए कि वो फिल्म इतनी अच्छी बन गई है, मैं सोचा नहीं था ऐसी अच्छी हो गई है। आप पार्टनर सकते हैं और आपका पार्टनर तो सलमान खान है जी। आप पार्टनर मैं उसे टांडने मार रहा हूँ जो जिंदगी में साथ दे दे, मैं कभी उस पर टांडने मारता हूँ। और उस वक्त जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला था उस वक्त वो साथ थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस हिम। और ऐसी भी बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसके प्रोफेशनल काम में उसको कष्ट हो जाए। मैं मेरे दम पे निकला हूँ और हार्डवर्क करके मैं आया हूँ, वही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैसे ही साथ दें और ये साथ रहे सदैव। गोविंद जी, आपकी फिल्म की बात की, आपको लाइक आपके खास दोस्त सलमान ने आपको बहुत असिस्ट किया है ऐसे सुनने में आई है, फिल्म में आपको उन्होंने बहुत हेल्प किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस फिल्म में? आपकी जो अपकमिंग फिल्म आ रही है। नहीं भैया, इसमें तो कुछ भी नहीं है और उसमें भी कुछ भी नहीं था। वो जिस वक्त पार्टनर बन रही थी डेविड ने, सलमान को तो पता भी नहीं था कि वो फिल्म कर रहा है उस वक्त। डेविड ने और सोहेल ने कहा कि हम वी वॉन्ट टू स्टार्ट द फिल्म, इट वॉज सोहेल खान हु वॉज बिहाइंड द प्रोजेक्ट एंड सब्जेक्ट वो कोई और लाए थे, तो मैंने कहीं और सजेस्ट किया उन्हें, उन्हें वो सजेशन अच्छी लगी और ये सब्जेक्ट हिट लगा, वो हिट हो गया और कामयाब हो गया। तो मुझे ये सलमान ने डेफिनेटली ये किया था कि उसके करते समय मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं उसकी फिल्म कर रहा हूँ, होम प्रोडक्शन की लगी, जो जो मैं कह रहा था जहाँ जहाँ मैं कह रहा था वो थॉट्स उन्हें अच्छे लग रहे थे, वर्क कर रहा था, जो गाने भी वही उन्होंने सिलेक्ट किए जो मैं कह रहा था कि हाँ ये अच्छे हैं, तो ही इज बीन वेरी गुड, मे गॉड ब्लेस हिम। पार्टनर की बात करें, सर आप सीक्वल में देख, सीक्वल आएगा, हम आपको देख सकेंगे दोनों को साथ में वापस सीक्वल में पार्टनर। अभी तो भैया फिल्म लग रहे, तो काफ़ी समय से फिल्म ही नहीं लगी है, मैं तो यही सोचने में लगा हुआ हूँ कि भैया ये है कहाँ, ये निकले इससे बाहर हम सर निकले। थैंक यू सर।